वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, अब हमें गैसीय स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो बैलून वाला होता है उसके पास गैस का सिर्फ एक सिलेंडर होता है और वो गैस के सिर्फ एक सिलेंडर से कई सारे बैलून्स को फुला देता है? Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? और उससे जाके पूछना है कि वो एक सिलेंडर की मदद से कितने balloons को फुला पाता है। Ask him which gas does he have in the cylinder? और उससे जाके ये भी पूछना है कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है। तो उसके सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है उसका नाम है हीलियम। अब हमें एक्टिविटी 1.11 देखनी है। टेक 300 ml सिरिंज, 100 ml की तीन सिरिंज लेनी है। Enclose their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4. तो जैसा इस figure 1.4 में दिखाया गया है, तो जो syringe है उसकी opening को close कर दिया गया है rubber cork की मदद से। Remove the piston from all the syringe. हर syringe से क्या करना है, piston को बाहर निकाल देना है। Piston जो है वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ move करता है, तो इस piston को क्या करना है, syringe से बाहर निकाल देना है। Leaving one syringe untouched. एक सिरिंज को बिना टच करे एक तरफ रख देना है। फिल वाटर इन द सेकेंड सिरिंज, और सेकेंड सिरिंज में क्या करना है, वाटर को भर देना है। पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, और थर्ड जो सिरिंज है उसमें क्या करना है, एक चॉक को भर देना है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन टू द सिरिंज, और जो सिरिंज से हमने पिस्टन को निकाला था हमें दोबारा उस पिस्टन को सिरिंज में डाल देना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इन टू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। तो हमें क्या करना है, पिस्टन पे थोड़ी वैसलीन लगा देनी है जिससे जो है पिस्टन आसानी से सिरिंज के अंदर चले जाए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हमें क्या करना है, हर सिरिंज में जो हमने पिस्टन को डाला था अब उस पिस्टन को हमें अंदर को दबाना है, मतलब जो कंटेंट सिरिंज के अंदर है उसको कंप्रेस करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। इन विच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, किस केस में जो है पिस्टन वो अंदर को आसानी से पुश हो पाएगा। व्हाट डू यू इन्फेर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला। तो देखिए, जो पहला केस था उसमें सिरिंज के अंदर भरी हुई थी गैस, तो जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब गैस को हम काफी ज्यादा दबा सकते हैं। दूसरे केस में हमने लिया था वॉटर, वॉटर मतलब हमने लिया था लिक्विड, लिक्विड जो होता है वो कम कंप्रेस हो पाता है एज कंपेयर टू गैस। और तीसरी सिरिंज में हमने लिया था चौक, चौक मतलब सॉलिड, जो सॉलिड होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, मतलब जो सॉलिड होता है वो बहुत कम कंप्रेस हो पाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, फिर आता है लिक्विड और फिर आता है सॉलिड। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब गैसेस को हम काफी ज्यादा दबा सकते हैं अगर हम कंपेयर करें सॉलिड और लिक्विड से। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की, फिर होती है लिक्विड की, और फिर आती है सॉलिड की। तो सबसे कम कंप्रेस हो पाता है सॉलिड। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो हम किचन में एलपीजी का यूज करते हैं उसको सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके डाला हुआ रहता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का यूज होता है हॉस्पिटल्स में उसको भी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके डाला हुआ रहता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीएनजी इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। गाड़ियों में आजकल सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transport easily. जो गैस होती है उसकी high compressibility होती है, मतलब हम गैस को काफी ज्यादा दबा सकते हैं। तो अगर हम बात करें लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस की तो उसको कंप्रेस करके हम छोटे से सिलेंडर में डाल सकते हैं। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. तो अगर हम बात करें किचन की, जैसे किचन में कुछ खाना बन रहा है तो अगर हम किचन के अंदर ना भी जाएं तो हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं मैगी का, अगर किचन में मैगी बन रही है तो
हमें पता चल जाता है कि किचन में मैगी बन रही है बिना किचन के अंदर जाए, क्योंकि किचन से जो खुशबू आ रही है मैगी की वो हमारे नाक तक पहुंचती है और हम पता लगा लेते हैं कि किचन में मैगी बन रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि खाने की खुशबू हमारे तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स्ड विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेज अस एंड इवन फार्दर अवे। तो जो खाना है उसकी जो खुशबू है और उस खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, फिर एयर के पार्टिकल्स उन खुशबू के पार्टिकल्स को हमारी नाक तक पहुंचाते हैं और हमें खुशबू आती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन सेकेंड्स। जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू हमारे तक काफी जल्दी पहुंच जाती है। तो इसका कारण है कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो एरोमा होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उसके पार्टिकल्स भी क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स गर्म रहेंगे उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी उतनी जल्दी वो एयर के साथ डिफ्यूज कर जाएंगे, और जितनी जल्दी वो एयर के साथ डिफ्यूज करेंगे उतनी जल्दी हमें खुशबू आएगी। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो अगर हम बात करें गैस की तो जो गैस होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है लिक्विड और उसके बाद आता है सॉलिड। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो अगर हम बात करें गैसेस की तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हाई स्पीड में रहते हैं, मतलब गैसेस की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो एक गैस है वो दूसरी गैस में काफी जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की तो जो गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब जो गैसेस स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब वो हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं गैसेस स्टेट के, तो वो एक तो आपस में भी टकराते हैं और साथ ही साथ कंटेनर की वॉल से टकराते हैं जिस कंटेनर में गैस को फिल किया रहता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बैलून का। जैसे कि एक बैलून है, इस बैलून के अंदर गैस भरी हुई है, और अगर इस बैलून के अंदर गैस भरी है तो गैस के पार्टिकल्स भी होंगे। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं तो एक तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, साथ ही साथ जो ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये बैलून की वॉल से भी टकराएंगे। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स बैलून की वॉल से टकराएंगे उतना ज्यादा बैलून के अंदर प्रेशर होगा, मतलब जो गैस है वो किसी कंटेनर में प्रेशर तब एग्जर्ट करती है जब गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराएं। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड की। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर मैं बात करूं गैसेस की तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब मैं बात करता हूं फिर से सॉलिड की, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब मैं बात करूं लिक्विड की तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, और अगर मैं बात करूं गैसेस की तो जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। अब अगर मैं बात करूं मूवमेंट की तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे कम मूव करते हैं, और अगर मैं बात करूं लिक्विड की तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा मूव करते हैं, और अगर मैं बात करूं गैसेस की तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं।